जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकरी एंड ब्यूटी टिप्स। आप मौजूद हैं सायमा के साथ और आज मैं बनाऊंगी ग्रीन चटनी। और ये कैसे बनेगी वो आप सीखेंगे और साथ में इसको प्रिजर्व कैसे करना है वो आप सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमें यहाँ चाहिए होगा एक खट्टी धनिए की, आधा खट्टी जो है हम पुदीना लेंगे, एक चम्मच नमक लेंगे, एक चम्मच ज़ीरा लेंगे हम, और 6 से 7 जवे जो है लेंगे लहसुन के, 7 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा इमली का पल्प। जी तो सबसे पहले हमने इन तीनों चीज़ों को जो है अच्छी तरह धो लेना है। धो लेने के बाद इसको हम ब्लेंडर पर ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, ज़ीरा, नमक और इसमें लहसुन, इमली का पल्प ऐड कर दिया। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी इसको पीस सकते हैं। जी तो ये मेरी ज़बरदस्ती चटनी जो है वो मैंने पीस ली है। जी तो व्यूवर्स, मैंने चटनी को जो है आइस क्यूब मोल्ड में डाली है। अब इसको हम फ्रीज़र में रख लेंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे, और जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इसको इस क्यूब में निकालें और दही के अंदर डाल के आप इस्तेमाल करें। आप चाहें तो फ्रेश ही यूज़ करना चाहते हैं फ्रेश ही यूज़ करें, और ज़्यादा बनानी हो तो आप इसी तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये ईज़िली आपकी चल जाएगी 1 मंथ 2 मंथ जो है आप निकालें और यूज़ करें, यकीनन बहुत मज़ेदार बनेगी। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को देख पाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।